किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं कद्दू की बेहद शानदार नई किस्म की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जानकारी शुरू करने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की आवश्यक जानकारी आप तक समय पर पहुँच सकें। चलिए जानकारी शुरू करते हैं। कद्दू की इस नई किस्म से किसान होंगे मालामाल। उपज 325 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का काशी शुभांगी या 56 भोग कद्दू चर्चा में आया है। यह कई गुणों की खान है। कद्दू की यह किस्म आमदनी बढ़ाने वाली तो है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी गुणकारी है। इसमें न सिर्फ किसानों को सशक्त बनाने की क्षमता है बल्कि सेहत को भी दुरुस्त करने की क्षमता है। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक सुधाकर पांडे ने बताया कि 56 भोग कद्दू महत्वपूर्ण सब्जी ही नहीं बल्कि कई औषधीय गुणों से भरपूर भी है। छोटे पौधे वाला यह कद्दू कई गुणों से भरा हुआ है। इसमें ब्लड प्रेशर, मोटापा कम करने की क्षमता है, कम समय में अधिक पैदावार। कद्दू की इस किस्म की 50 से 55 दिन में पहली तुड़ाई होती है। इसके अलावा यह लगातार 70 दिन तक फल देती है। 56 भोग कद्दू की औसत उपज 325 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह फल 800 से 900 ग्राम का होगा। लंबाई 67 से 75 सेंटीमीटर तक, गोलाई 21 से 24 सेंटीमीटर होगी। आपको प्रति पौधा औसतन 8 से 10 फल मिलेंगे। साथ ही साथ एक हेक्टेयर में 7000 से 7500 पौधे लगाए जा सकते हैं। विटामिन और खनिज तत्व। कद्दू की इस किस्म में लगभग सभी प्रकार के विटामिन एवं खनिज तत्व मौजूद हैं। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए 311 मिलीग्राम, विटामिन सी 20.9 मिलीग्राम, पोटेशियम 319 मिलीग्राम एवं फास्फोरस 52 मिलीग्राम मिलता है। यह प्रति 100 ग्राम फल में पाया जाता है। इतना ही नहीं, इस सब्जी में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा भी है। गौरतलब है कि IIVR में विकसित इस प्रजाति को खेत के अलावा गमले में भी लगातार अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।